डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास फोर्थ के इंग्लिश की पोएम रिटन इन मार्च पढ़ रहे थे, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो कल हमने ये पोएम कंप्लीट की, आज हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो है, व्हाट आर द पीपल इन द पोएम डूइंग। जो इस पोएम में लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने इस पोएम में पढ़ा, यहाँ पे द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि जो ये लोग हैं यहाँ पे, चाहे वो जवान हो या बूढ़े हों, सब क्या कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं वो खेतों में, क्योंकि अब मार्च आ गया है और जो विंटर है वो ख़त्म हो गया है, एक नई लाइफ आ गई है, फिर से पेड़ पौधे ग्रीन हो गए हैं। तो इसलिए जो लोग हैं वो भी, सर्दी ख़त्म हो गई है तो वो भी अब बाहर निकले हैं घरों से और खेतों में काम करने लगे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द पीपल इन द पोएम आर वर्किंग इन द फील्ड्स। जो इस पोएम में लोग हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो फील्ड्स में यानी कि खेतों पर काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू है, why do the cattle not raise their heads। जो कैटल है, CATTLE कैटल यानी कि मवेशी है, वहाँ पे काउज है या दूसरे मवेशी हैं, वो अपना सर क्यों नहीं रेज कर रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो जैसे कि हमने इस पोएम में पढ़ा, द कैटल और ग्रेजिंग, यहाँ पे ये शक्ल भी बनाई गई है जिसमें आप काउज को देख सकते हो, उनके सर नीचे हैं और वो खा रहे हैं घास। Their heads never raising, ये अपना सर नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वो ग्रेज करते हैं, यानी कि घास खा रहे हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द कैटल डू नॉट रेज देयर हेड्स बिकॉज दे आर ग्रेजिंग द ग्रास इन द ग्रीन फील्ड्स। तो द कैटल डू नॉट रेज देयर हेड्स, जो ये कैटल है, मवेशी हैं, ये अपना सर इसलिए नहीं उठा रहे हैं बिकॉज दे आर ग्रेजिंग द ग्रास, क्योंकि वो घास खा रहे हैं इन द ग्रीन फील्ड्स। कहाँ, ग्रीन फील्ड्स में, क्योंकि मार्च आ गया था तो जो वहाँ पे ये ग्रास के मैदान थे वहाँ पे घास उगी हुई थी। तो इसलिए अब जो ये कैटल हैं, अब विंटर्स के बाद ये बाहर निकले हैं तो इनका सर नीचे हैं, वो बिजी है घास खाने में, इसलिए वो अपना सर नहीं उठा रहे हैं। They are grazing the grass in the green fields. तो क्वेश्चन नंबर थ्री है, What does the poet compare snow with? What does it mean? जो ये पोएम है, इसमें स्नो को किसके साथ कंपेयर किया गया है और इसके क्या माने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों, यहाँ पे लिखा है, Like an army defeated, the snow heart retreated, यानी कि जो यहाँ पे स्नो है इसको कंपेयर किया गया है विद डिफ़ीटेड आर्मी, यानी कि जो आर्मी होती है जब जंग होती है दो फौजों के दरमियान, तो एक आर्मी जो है वो हारती है, यानी कि एक आर्मी यानी कि एक साइड जो आर्मी होती है, वो फौज होता है, वो हार जाती है। जब वो हार जाती है तो वो क्या करते हैं, वो विड्रा करते हैं, यानी कि भाग जाते हैं, वो मैदान छोड़ के चले जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे स्नो को कंपेयर किया गया है इसी डिफ़ीटेड आर्मी के साथ, क्योंकि अब मार्च आ गया है तो टेम्परेचर राइज हो गया है, तो जो स्नो है वो मेल्ट हो गया है, जब स्नो मेल्ट हो गया तो उसी के साथ वो ख़त्म हो गया और स्प्रिंग ने अपना ये कमांड, स्प्रिंग ने आप संभाली, अब स्प्रिंग सीजन आ गया। तो इसी तरह, जिस तरह एक आर्मी हार के भाग जाती है, इसी तरह आप स्नो भी इस गर्मी से मेल्ट होके भाग गया, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे आंसर इसका, द लाइफ द पोएट कंपेयर्स स्नो विद डिफीटेड आर्मी हु रिट्रीट, यानी कि जो फाइट है वो कंपेयर करता है स्नो को एक डिफीटेड आर्मी के साथ, हु रिट्रीट, जो भाग जाते हैं, मैदान छोड़ के चले जाते हैं। इट मीन्स दैट द स्नो इज़ मेल्टिंग, इसका माने है कि स्नो जो है वो मेल्ट हो रहा है, एंड स्प्रिंग इज टेकिंग ओवर, और स्प्रिंग आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, वाई वट डज लाइफ इन द फाउंटेन मीन। जो लाइफ इन द फाउंटेन है इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसके क्या माने हैं। तो अगर आप देखोगे, देयर इज़ लाइफ इन
फाउंटेन्स, यानी कि फाउंटेन्स में दोबारा से अब लाइफ आ गई। तो बच्चों इसके माने हैं कि जो फाउंटेन्स होते हैं, फुहारे होते हैं, उनमें जो पानी निकलता है, अगर हम उसको विंटर्स में देखेंगे तो वो वाटर जो होता है वो सारा फ्रोज हुआ होता है, यानी कि जम गया होता है। तो इसलिए कोई भी पानी इन फुहारों से नहीं निकलता है, बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। तो विंटर्स में पानी जमा हुआ होता है, तो इसलिए इन फुहार जो फाउंटेन्स होते हैं तो इनमें पानी नहीं निकलता है, यानी कि डेड हुए होते हैं ये। अब जब मार्च आ गया, क्योंकि इस पोएम का नाम ही है रिटन इन मार्च, तो जब मार्च आ गया तो आहिस्ता आहिस्ता ये पानी जो जमा हुआ पानी है ये मेल्ट हो गया और इन फुहारों में फिर से जान आ गई, फिर से इनमें से पानी निकलने लगा। यानी कि जो विंटर है वो सीज़न ख़त्म हो गया और अब स्प्रिंग का सीज़न आ गया। तो आंसर लिखेंगे, द लाइफ इन फाउंटेन्स मीन्स दैट वाटर हैज़ स्टार्टेड अगेन फ्लोइंग थ्रू फाउंटेन्स एज विंटर हैज़ एंडेड एंड स्प्रिंग हैज़ कम। तो इसके माने हैं कि द लाइफ इन द फाउंटेन्स मीन्स दैट वाटर हैज़ स्टार्ट अगेन फ्लोइंग थ्रू फाउंटेन्स। तो पानी ने दोबारा फाउंटेन से निकलना शुरू किया, क्योंकि एज विंटर हैज़ एंडेड, क्योंकि विंटर ख़त्म हो गया है और स्प्रिंग हैज़ कम, स्प्रिंग आ गया है, यानी कि फिर से इन फाउंटेनों में जान आ गया, फिर से वहाँ से पानी निकलने लगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट किए। कल हम और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।